Good morning, class first. I'm your math teacher Shreya. This is video number 23, brain storming with addition. Question number first. Sachin had 5 kites. Sonu gave him 4 more kites. How many kites does he have now? सचिन के पास 5 पतंग थी और सोनू ने 4 और दे दी, तो कुल मिलाकर उसके पास कितनी पतंग है? ये सॉल्व करने के लिए आप लोग अपनी नोटबुक ओपन कर लीजिए बच्चों। ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन है ये। सोनू के पास कितनी काइट्स थी, सॉरी सचिन के पास कितनी काइट्स थी? 5 काइट्स थी और सोनू ने 4 और दे दी, तो 5 में हम लोगों ने 4 प्लस किया 9, ओके। तो उसके पास कितनी थी? 9 काइट्स थी। ओके बच्चों, आपको भी सेम ऐसे ही लिखना है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में। क्वेश्चन नंबर सेकंड, रितु हैड 6 बुक्स, नीतू गेव हर 2 मोर बुक्स, हाउ मेनी बुक्स डज शी हैव नाउ? रितु के पास 6 बुक्स थी और नीतू ने 2 और बुक्स उसे दे दी, तो उसके पास अब कितनी बुक्स हैं? लुक एट दिस बच्चों, रितु के पास 6 बुक्स पहले से थी और नीतू ने 2 बुक्स और दे दी, तो 6 प्लस 2 कितना होता है? 8। सो उसके पास 8 बुक्स हैं। ओके बच्चों, मैंने आपको पहला दूसरा करा दिया है, तीसरा आपका होमवर्क है, बाकी क्वेश्चन हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। थर्ड वाला क्वेश्चन पढ़ के मैं आपको समझा देती हूँ ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। क्वेश्चन नंबर थर्ड, यश हैज 4 क्रेयॉन्स एंड टीनू हैज 3 क्रेयॉन्स, हाउ मेनी क्रेयॉन्स डू द हैव इन ऑल? यश के पास 4 क्रेयॉन्स है और टीनू के पास 3 क्रेयॉन्स है, तो दोनों को मिला के यहाँ पे कितने क्रेयॉन्स है? जैसे कि हम अभी तक ये दोनों कर रहे थे, वैसे आपको ये वाला भी करना है बच्चों। टिल देन, बाय बाय।